हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। एंड आप सभी, आशा तो मुझे इतनी है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। एंड आप जैसा कि जानते हैं कि आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है, तिमाही परीक्षा आ गई है, सो उसके लिए जो आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसा कि आप सर्च कर रहे थे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते तो अच्छा हो जाता, उसी फॉर्म में मैं आपको क्लास 12th जो हमारी बायोलॉजी है, इसके जो हमारे तीन लगभग टॉपिक जितना भी आपको तिमाही परीक्षा में पूछा जाना है उसके रिगार्डिंग जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको लेके आई हूँ, ताकि कम समय में आप सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस को पढ़ के आपकी एग्ज़ाम में आप काफ़ी अच्छी मार्किंग कर पाएँ। ओके, सो देखते हैं कि क्या है जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो कौन कौन से हैं, फटाफट से देख लेते हैं। एंड सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा टॉपिक रहेगा रिप्रोडक्शन से, हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें कौन कौन से जो हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं, सो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जो आलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करिए, या सिंपली आपसे इस लैंग्वेज में ना पूछा जाए तो पूछा जाए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर क्या है, तो आप वो काफ़ी अच्छे तरीके से बता सकते हैं। चूँकि आप लोगों ने अपना पैटर्न देख लिया होगा कि अब चार नंबर वाले सवाल पूछे जाने लगे हैं, तो सिंपली यदि आप सिर्फ चार कैरेक्टर ही बताते हैं इन दोनों में तो आपकी काफ़ी अच्छी मार्किंग हो जाएगी। सो मोटी मोटा आपको इनको याद करके जाना है। इसके अलावा इनमें पूछा जाए यदि और यदि कंसेप्चुअली क्वेश्चन बनता है कि कायिक जनन को जो है प्रारूपिक आलैंगिक जनन क्यों माना गया है, इस फॉर्म में आपसे सवाल पूछा जाता है, तो आप इसे प्रिपेयर करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा भी यदि आगे क्वेश्चन की बात करें तो जूस्पोर्स यानी कि जो आलैंगिक चल बीजाणु होते हैं, युग्मनज जो जायगॉट होता है, इनके अंदर जो इनके बीच का जो अंतर है वो बताइए, अंतर बताइए। सो मेरा आपसे सजेस्ट, मैं आपको यही करूँगी, मेरा सजेशन पर्सनली आपसे यही है कि आपकी जितनी जो यूनिट आपसे पूछी जानी है उसी यूनिट में जो भी डेफिनेशन वाले क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, वो डेफिनेशन आपको करके जानी है, ताकि तीन नंबर में आपसे पूछा जाए, या जो टर्म्स हैं उनके सामान्य से जो कैरेक्टर हैं आप वो पढ़ के जाइएगा, ताकि यदि तीन नंबर वाले क्वेश्चन में वो आपसे पूछे जाएँ तो आप बढ़िया तरीके से उसकी जो है तीन लाइन में आप बता सकते हैं, या जिस तरीके से पूछा गया है उस फॉर्म में। एंड इसके अलावा यदि जो जितने भी अंतर हैं आपकी जो यूनिट जो पूछी जानी है उनसे, जितने जितने टॉपिक जो क्वेश्चन हैं, जो अंतर वाले क्वेश्चन हैं वो आपको पढ़ के जाना है, ताकि एटलीस्ट अंतर वाले जितने क्वेश्चन आए तो आप अपने पेपर में लिख के आ जाएं। ओके, इसके अलावा देखते हैं आगे क्या है, वही इसी फॉर्म में मैं इंपॉर्टेंट भी आपको लेके आई हूँ, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में ये बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। इसके अलावा बात करें कि जो युग्मक जनन है और भ्रूणोद्भव है, इनके बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा बात करें कि भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएँ क्या हैं, सो ये कुछ फॉर्म में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको इन्हें पढ़ के जाना है। इसके अलावा बात करें कि थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस का जो हमारा ऐप है, इसे आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि इस पे जो आपको कोर्स प्रोवाइड किए गए हैं, जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं आपके लिए, उनका यूज़ आप कर सकें। सो इस फॉर्म में 9th एंड 10th का हमारा जो 1 ईयर कोर्स है जो 499 रुपीज़ में है, उसी प्रकार से 11th और 12th वालों के लिए भी हम लोगों ने क्या किया है, 1 ईयर का कोर्स बनाया हुआ है, सो वो आपका 499 रुपीज़ में है, आप है तो इसे ले सकते हैं। एंड इसके अलावा भी जो है इस पर आपको PDF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज एंड PDF, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड होंगी। सो आगे बढ़ते हैं, बात करें कि इसी फॉर्म में हमारे चैनल पे प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस पे डेली आपको की जो है लाइव क्लासेस चल रही हैं, फिर वो चाहे आपकी 11th की हो या 12th की हो, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सो इस फॉर्म में आपको आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो हम लोग बात करें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, इसके अलावा देखते हैं कि और सारे क्वेश्चन क्या क्या हैं। सो देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन क्या है कि एक कोशिकीय जीव लाइक एमीबा को अमर क्यों कहा जाता है, समझाइए। सो आपको एमीबा के बारे में बताना है कि एमीबा
जो कि एक कोशिकीय जीव है, ये अमर क्यों है, इस पर टिप्पणी दीजिए, या इस फॉर्म है एमीबा से रिलेटेड या एमीबा के स्ट्रक्चर से आपसे पूछा जाता है, तो आप इसे बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करके जाइए। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, मधुमक्खियों में संतति निर्माण केवल लैंगिक प्रजनन द्वारा होता है, लेकिन फिर भी ये क्या करती हैं, नेवा या कॉलोनी में ही क्या करती हैं, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। आगुणित और द्विगुणित दोनों ही प्रकार के सदस्य इसमें पाए जाते हैं, और कॉलोनी में पाए जाने वाले मेल और फीमेल जो सदस्य हैं उनके नाम बताइए, उनके निर्माण के पीछे निहित कारणों की विशेषताएं बताइए। मैं इतना लंबा क्वेश्चन इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे आप मैं इसमें से जो मेल और फीमेल और सदस्य हैं इनके नाम पूछे जाएँ 3 नंबर में 4 नंबर में तो आप वो बता सकते हैं, या इनकी जो विशेषताएँ आ जाती हैं तो आप वो बताइएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यदि आपका जो है पूछने का पेपर में तरीका यदि ज़्यादा मॉडरेट लेवल का बनता है तो उसमें ये जो मधुमक्खी की संतति निर्माण की प्रक्रिया है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको बढ़िया तरीके से एक साइकिल फॉर्म में बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करके जानी है क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बात करें कि नेक्स्ट देखें कि चल बीजाणु व कोनिडियम के चित्र बनाइए। आपको हमेशा ही आपके जितनी यूनिट आपको पूछी जानी है उनमें जो जो सारे इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, मतलब ऐसे ट्रेडिशनल टाइप के वो डायग्राम जो आप लोग पढ़ते रहते हैं, आपने पढ़े होंगे, सो आपको अपनी डायग्राम पे पकड़ अच्छी बनानी है क्योंकि बायोलॉजी में पूरा डायग्राम से ही रहता है, मार्किंग पूरी डायग्राम पे ही होती है। उसको बढ़िया तरीके से आपको उसके नाम लिख के बढ़िया तरीके से उसमें डिब्बे में पैक करके बताना है एग्जाम में। सो क्वेश्चन की बात कर लें कि चल बीजाणु और कोनिडियम को चित्र सहित बताइए, या इनके बीच जो असमानताएं हैं कम से कम 2 समानताओं का उल्लेख कीजिए, ये बताना है आपको। नेक्स्ट बात करें कि वृद्धि प्रजनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो कि प्लांट्स में होता है, जब भी बात आती है वृद्धि प्रजनन की, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, तो ये कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है। एक प्रकार का आलैंगिक जनन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कथन की न्यायसंगत व्याख्या कीजिए, ये क्यों है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्यों कहा जाता है, इसे किस फॉर्म में होता है, तो आप इसको प्रिपेयर करके जा सकते हैं। अब मेरा आपको बताने का उद्देश्य इन क्वेश्चन फॉर्म में इसलिए है कि लाइक यदि आप, ज़रूरी नहीं है कि यदि आपसे ये एग्जैक्ट यही फॉर्म में बिल्कुल कॉपी पेस्ट ना आए, तो आप यदि इस टॉपिक से पढ़ के जाते हैं तो आपको क्या होगा कि लाइक उस टॉपिक से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन बनता है तो आप उसे बता सकते हैं। लाइक मैं इसीलिए एक जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मधुमक्खी की संतति निर्माण वाला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको लेके आई हूँ ताकि यदि इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐड हैं, यदि आपसे उनकी विशेषताएँ पूछी जाती हैं तो आप विशेषताएँ बता सकते हैं, यदि सिंपल से 3 नंबर में उनके नाम ही पूछे जाते हैं इनके सदस्यों के कि किस फॉर्म में ये संतति निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप वो बता सकते हैं। बाकी आपको तो मधुमक्खी में संतति निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसे तो पढ़ के जाना ही है। एंड इसके बाद बात करें कि जो जितने भी डायग्राम वाले आपके क्वेश्चन हैं इन्हें आपको प्रिपेयर करके जाना है। इसके अलावा बात करें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें देखते हैं कि लघु बीजाणु धानी यानी कि जो हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन है, इसमें कुछ भी आपका जो सेकंड यूनिट है 12th की, इससे कोई भी चैप्टर आपका इरेज नहीं किया गया है, हटाया नहीं गया है, जो सेकंड यूनिट है प्रॉपर उसे पूरा पढ़ के जाना है। एंड बात करें कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लघु बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम में जो अंतर है वो आपको पढ़ के जाना है, अंतर स्पष्ट करें, या इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है, यदि आपकी 4 नंबर में बनता है तो आप इसे बता सकते हैं, दोनों घटनाओं में के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए, यदि नाम पूछे जाते हैं सिंपली आपसे तो 3 नंबर में आप नाम बता सकते हैं, बाकी डिटेल में पूछा जाता है तो आप इसे प्रिपेयर करके जाइएगा, आपसे बन जाएगा। एंड बात करें आगे कि एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का वितरण कीजिए, यानी कि ओव्यूल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ओव्यूल का तो आपको इसका डायग्राम बिल्कुल रट के जाना है, ओव्यूल से पूछा जा सकता है आपका सवाल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि बीजांड की जो संरचना होती है किस फॉर्म में ये बना होता है, इसकी संरचना के जो भाग हैं वो कौन कौन से, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ओव्यूल का डायग्राम, आपको प्रैक्टिस कर लेनी, यदि अभी भी आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो इन क्वेश्चंस की आप इनको आप याद करिएगा, या जो भी चीज़ें बताई गई हैं इनमें जो डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं इनकी आप प्रैक्टिस एग्जाम से पहले कर लीजिएगा। सो ओव्यूल के बारे में
आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा बात करें कि एक सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है, यही वही अनिषेक जनन वाली प्रोसेस है, पार्थिनोजेनेसिस वाली। सो चूँकि मैं रिप्रोडक्शन में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा सक चुकी हूँ, हमारे जो चैनल पे क्लासेस चल रही हैं, डेली बेसिस पे क्लासेस चलती हैं लाइव, उनमें मैं चैप्टर वाइज एक एक चीज़ें कंप्लीट करा रही हूँ। सो आप चाहें तो विज़िट करके सारा जो आपका सिलेबस है आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें कि पुष्प का कौन सा भाग जो है फल की रचना करता है, इससे रिलेटेड ये आपको पढ़ के जाना है। एंड इम्पॉर्टेंट है, भ्रूण कोष किसे कहते हैं, एम्ब्रियो सैक, मुक्त केंद्र की भ्रूण कोष और कोशिकीय भ्रूण कोष का वर्णन कीजिए, या सिंपली पूछ लिया जाए भ्रूण कोष और भ्रूण कोष में कोई तीन अंतर बताइए। यदि तीन नंबर में अंतर पूछा जाता है तो आप तीन नंबर में बता दीजिएगा, चार नंबर में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। सो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं। बात करें लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर, यानी कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस आपको याद रखना है, वो अलग चीज़ है। लघु बीजाणु धानी, माइक्रो स्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम, लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी, ये अलग चीज़ होती है। लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, ये इसमें अंतर आपको पढ़ के जाना है। हालांकि मैं इन टॉपिक पे काफ़ी अच्छे से लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, चाहे तो आप हमारे जो बायोलॉजी क्लास 12th बायोलॉजी के जितने भी लेक्चर्स हैं, रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के जो लेक्चर्स हो चुके हैं, आप उनमें जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बात करें मक्का के दाने की ऊर्ध्वकाट का चित्र, ये काफ़ी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आपकी एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये जो मक्के का जो स्ट्रक्चर होता है इसका, यानी कि ऊर्ध्वकाट का जो चित्र होता है, इसे आपको पढ़ के जाना है। मे बी के चार नंबर में आपसे यही पूछ लिया जाए तो आप इसे बता सकते हैं। इसके अलावा देखें कि फल भित्ति, प्रांकुर चोल, मूलांकुर को नामांकित कीजिए, यानी कि वही चीज़ है, स्ट्रक्चर आप डायग्राम सीख के जाएंगे, बनाएंगे जब भी अपने आपके एग्ज़ाम में, तो उससे रिलेटेड यदि जो भी नाम पूछे गए हैं या जिस प्रकार से आपकी मार्किंग होगी क्वेश्चन में, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। बात करें कि निषेचन पष्ट घटनाओं से आपका तात्पर्य क्या है, पुष्प में होने वाली निषेचन पष्ट घटनाओं को, तो आपको ये पढ़ के जाना है, या निषेचन से पहले की जो घटनाएं हैं, फिर उन घटनाओं में भी यदि मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर से पूछ लिया जाए, लाइक आपका कि परागकण का निर्माण कैसे होता, परागकण की संरचना बताइए, या पूछा जाए कि लघु बीजाणु धानी का निर्माण कैसे होता है, या पूछा जाए आपसे कि अंडक का निर्माण कैसे होता है, गुरु बीजाणु धानी का निर्माण कैसे होता है, परागण क्या है, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लाई हूँ ताकि इससे रिलेटेड आप चार छः चीज़ें पढ़ लें, ताकि जिस फॉर्म में भी आपसे पूछा जाए तो आप उसे बता सकते हैं। वैसे इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे जो क्लास है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस पे, इस लेक्चर प्रॉपर से चल रहे हैं बायोलॉजी के, सो अभी ये चल रहा है, आप वहाँ पे विजिट करके सुबह मॉर्निंग में 9:15 बजे इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा देखें जो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, सबसे पहले देखें कि अपरा की कोई तीन कार्य बताइए, अपरा को पढ़ के जाना है आपको, आपकी ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। बात करें वहीं कि शुक्राणु के मध्य खंड को इसका पावर हाउस कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। थर्ड बात करें कि प्रथम लैंगिक जनन और द्वितीयक लैंगिक जनन अंगों के बीच अंतर क्या याद रखना है आपको, हमेशा ही अंतर, दो तीन कार्य, सामान्य से कैरेक्टर और डेफिनेशन वाले क्वेश्चन, इतना तो आप याद ही कर सकते ही है ना, तो आप ये पढ़ के जाइएगा। एंड इसके अलावा बात करें कि आर्तव चक्र की पुष्ट जो पुटी की प्रावस्था है, स्रावी व्यवस्था है, इसमें अंतर बताइए। चूँकि आप लोग अब 12th के बच्चे हैं, बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, तो ये सारी चीज़ें तो आपसे पूछी ही जानी है, सो तैयार रहिएगा इन क्वेश्चंस के साथ। एंड बात करें कि मानव में यौवनारंभ के पश्चात होने वाली जो लैंगिक जनन की चार घटनाएं हैं, उनके नाम बताइए, यदि समझा के टिप्पणी पूछी जाए तो आप उन्हें भी बता सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, उन घटनाओं का वर्णन कीजिए, ये क्या प्रक्रिया होती है, तो आप इन्हें बता सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा।
और बढ़िया से आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इन्हें प्रिपेयर कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यदि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप दो चार चीज़ें ही पढ़ते हैं और क्वेश्चन आपसे कैसा भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, बना के आ सकते हैं। स्पेशली आपको डायग्राम सीख के जाना है, सारे जो इम्पॉर्टेंट डायग्राम हैं वो तो आपको जाने ही पड़ के। एंड अंतर वाले जितने क्वेश्चन हैं, मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि जो अंतर वाले क्वेश्चन हैं वो पढ़ के जाइएगा, जितने इम्पॉर्टेंट डायग्राम हैं वो आप तैयार करिए, आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो परखनली शिशु है इसका नाम अपने निर्माण संबंधी सही जानकारी नहीं देता है, यदि इस पर कोई टिप्पणी पूछ, यदि टिप्पणी वाले सवाल पूछ लिए जाएं तो टिप्पणी वाले सवालों में ये जो टेस्ट ट्यूब भी होती है ट्वेल्थ में है, आपके सिलेबस में है, तो आप इसे बता सकते हैं। वहीं बात करें कि एम्यूसेंटोसिस क्या है, इसका महत्व बताइए, सो आपको इनको पढ़ के जाना है। वहीं बात करें कि निम्न शब्दों, यदि टिप्पणी पूछी जाए वहीं आपसे कि सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी बताइए, तो ये भी आपको तैयार करना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वहीं बात करें कि सहप्रभाविता से क्या अभिप्राय है, मानव में रुधिर वर्ग का उदाहरण देकर जो है सहप्रभाविता को समझाइए, तो आपको इसे पढ़ के जाना है। इसके अलावा बात करें कि संलग्नता, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लिंकेज संलग्नता के बारे में आपको पता होना चाहिए। पक्षियों में यदि पूछा जाए कि लिंग निर्धारण की क्रिया समझाइए, तो आप इसे बता सकते हैं। यदि आपसे सिंपली तीन नंबर में इसकी डेफिनेशन ही पूछी जाए कि लिंकेज यानी कि संलग्नता क्या है, तो आप इसे बता सकते हैं। इसके अलावा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सो आपको क्या करना है कि इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाना है। सो मस्त तरीके से इन्हें पढ़ के जाइए, रिविज़न करके जाइए, और जो हमारी क्लास है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस, यहाँ पे लगातार लाइव क्लासेस चल रही हैं सारे सब्जेक्ट की, फिर चाहे वो आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, सो जो सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को करना चाहते हैं वो हमारे साथ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सो आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड सेशन को आगे शेयर करिएगा ताकि और भी सारे बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच पाए और वो भी अपने एग्ज़ाम में अच्छा इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। होप सो कि पसंद आया होगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।